जो आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को बेझिझक मैसेज कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर 9783333669 है। लेकिन स्टार्ट करते हैं होल नंबर पार्ट फोर। कुछ पिछले पार्ट में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्रॉब्लम नॉर्मल क्वेश्चंस पढ़े थे, अब ये हम इस पार्ट में वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द क्वोटेंट ऑफ लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर विथ स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। यानी लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर को स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर कितने होते हैं, ये होते हैं, और स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होता है, फोर डिजिट कितने हो जाएंगे। सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जैसे स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा होता है, 10 होता है, और लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर 99। ऐसे ही ये 100 हो गया थ्री डिजिट का, और 999 फोर डिजिट का 1000 हो जाएगा, और 9999 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम आगे बढ़ते चलते हैं। तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। प्रोडक्ट इक्वल टू 999 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो कितना हो जाएगा 9,99,000। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। देन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो द प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर टेबल इज ₹956। यानी एक कंप्यूटर टेबल की प्राइस कितनी है, 956 है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, आपको जो लैंग्वेज है वही क्या करनी है, समझनी है। आसानी से समझ में नहीं आती, उसको 3-4 बार रीड करो, समझ में आपको आ जाएगी। ठीक है, द प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर टेबल इज ₹956। यानी एक कंप्यूटर टेबल की प्राइस कितनी है, 956 है। द स्कूल प्लेस ऑर्डर फॉर 46 टेबल। और एक स्कूल ने क्या किया, आपको एक ऑर्डर किया 46 टेबल के लिए। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द टेबल, यानी टोटल कॉस्ट कितनी होगी टेबल की। हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट एड करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एड करेंगे। लैंग्वेज क्या होगी, द प्राइस ऑफ द कंप्यूटर टेबल इज 956। ठीक है, प्राइस ऑफ वन कंप्यूटर टेबल इक्वल टू 956। कितने, 956। तो प्राइस ऑफ 46 कंप्यूटर टेबल इक्वल टू, भाई एक ही, एक से कितनी बनी, 46 बनानी है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 46 मल्टीप्लाई 956 को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ टेबल इक्वल टू 956 मल्टीप्लाई बाय 46। 6 6 36 कैरी 3, 6 5 30 33 कैरी 3, 6 9 54 और 3 57 मल्टीप्लाई 4 6 24 कैरी 2, 4 5 20 और 2 22 कैरी 2, 4 9 36 और 2 38 कितने हो गए, 38। तो आंसर क्या, 6 4 3 7 7 और 2 9 8 और 5 13 कैरी 1 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसका यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 43976 यानी 43976। एक टेबल की कॉस्ट कितनी थी, 956 थी, और 46 टेबल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 43976 हो जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। देखो हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, हाउ मेनी बैग्स विल बी रिक्वायर्ड, जरूरत है फॉर पैकिंग। यानी कितने बैग की जरूरत है फॉर पैकिंग, पैकिंग करने के लिए। 840 ऑरेंजेस, यानी 840 ऑरेंज है, संतरे हैं। व्हेन ईच बैग कंटेन 20 ऑरेंज,
एक बैंक में कितने हैं 20 हैं, ठीक है। तो देखो टोटल ऑरेंज कितने अपने पास 840 है, ईच बैंक कितने हैं 20 ऑरेंज है, ईच बैंक कंटेन, ईच बैंक कंटेन 20 ऑरेंज। तो नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बैग्स ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आपके लिए, क्या लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। टोटल ऑरेंजेस कितने हैं 4840 है, ईच बैग एक बैग में कितने हैं 20 ऑरेंजेस। तो नंबर ऑफ बैग्स कितने बैग चाहिए तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जीरो से जीरो गया, 2 से 2 4 जो और 2 गुणा, यानी 42 बैग्स चाहिए। एक बैग में, एक बैग में 20 आएंगे तो 42 बैग्स में कितने आएंगे 840 ऑरेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज दिस 140,436, यानी दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है ये है। इफ वन नंबर इज 249, एक नंबर कितना है 249, फाइंड द अदर, दूसरा नंबर बताओ। तो इस पे क्या करेंगे हम, लेट करेंगे, क्या करेंगे लेट, टू नंबर कौन से हैं, टू नंबर, लेट टू नंबर एक्स एंड वाई मान लिया, मानो कुछ भी हो सकते हैं ये दो नंबर, इन दो नंबर कौन कुछ भी हो सकते हैं। तो इन एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया तो कितना है 14046। एक नंबर, एक नंबर इज कितना है 249 है, फाइंड द अदर, इन दोनों में से एक नंबर कितना है 249 है, मान लिया हमने y क्या है 249 है 140436, x इक्वल टू 140436 डिवाइडेड बाय 249, ठीक है। अब देखो इसको हम इससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, अब 3 से डिविजिबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 8 24 3 3 9, ठीक है। आप देखो 3 की टेबल में 14, 3 4 जा 12, कैरी 2 बच गया और 0, 3 6 जा 18, 2 बच गया, 2 और 4 3 8 जा 24, 3 1 जा और 3 2 जा, ठीक है। देन हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं 4 6 8 1 2 को 83 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो 83 को 3 से करके दे, 4 से करके दे, 4 3 जा 12, 2 कैरी 1, 4 8 जा 32, 8 33, 332, और आप 4 5 से करके देखो 5 3 जा 15, 5 कैरी 1, 5 8 जा 40, 41, तो ये 5 से चला जाएगा 415, 8 में से 5 गए 3 बच गए, 6 में से बन गया 5 बन गया, ठीक है। 5 से ये जा रहा है तो 6 से कितना जाएगा, 6 से करके चेक कर लो, 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 8 जा 48, 49, 498, 6 से कितना जाएगा 498, माइनस करेंगे 11 में से 8 गए तो कितना बचे 3 बचे, एक कैरी गई तो यहाँ पे 2, 12 में से 9 गए तो 3 बचे, और 2 तो 332 कितने बार में जाता है 4 टाइम्स जाता है, कितने बार में 4 टाइम्स जाता है। सो हमारे पास आंसर दूसरा नंबर कितना आ गया 564 आ गया, कितना आ गया 564, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 564, ठीक है। इस तरह से ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम थी जो हमने सॉल्व किए, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।